हमें गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है. राइट डाउन द फर्स्ट इक्वेशन. एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री. फाइव एक्स प्लस के वाई इक्वल टू के वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो. द फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आपको पता होना चाहिए, मीन्स नो सॉल्यूशन. फाइंड इट आउट क्विकली. बी क्विक बच्चे, बी क्विक. के इज इक्वल टू कैसे निकाला इनकंसिस्टेंट मीन्स. सी वन बाय सी टू. ए वन अपॉन ए टू इज वन बाय फाइव इक्वल टू टू अपॉन के नॉट इक्वल टू माइनस थ्री बाय सेवन. क्योंकि यहाँ इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आपको कांस्टेंट गिवन है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है, तो ब्रिंग इट टू द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है देखो, अगर हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं तो जब ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल होंगी तो दिस विल डेफिनेटली बी नॉट इक्वल टू दिस. तो इसके लिए हमें इन दोनों को सिर्फ कंपेयर करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके. के की वैल्यू क्या आ गई, टेन. ठीक है. नेक्स्ट फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू फोर. डस्टर का है ले आओ किसी क्लास, प्लस टू वाले रूम्स में क्लासेस नहीं लग रही है, वहां से ले आओ. फर्स्ट इक्वेशन लिखो थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू फोर एंड टू वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू नाइन एक्स. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू पॉइंट्स. दिस इज योर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी. My question is find the equation of the line passing through the point of intersection of these two. It means सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका point of intersection निकालना है, फिर इनमें से equation choose करनी है कि कौन सी से वो मतलब कौन सी line उन points से pass कर रही है. तो क्या करोगे, जो आपके point points आएंगे उनको क्या करोगे, हाँ जी, इनमें पुट करके देखोगे जिस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रही है दैट विल बी योर आंसर. व्हाट इट, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे दैट विल बी योर आंसर. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए. अब यहाँ ये ध्यान देना है आपने, 9x आपका राइट हैंड साइड पे है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे. ठीक है. तो फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन माइनस 9x प्लस 2y इक्वल टू माइनस सेवन. क्लियर. अब कैसे सॉल्व करना है इनको, इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर लो. सो दिस विल बी 9x माइनस 15 बाय इक्वल टू 12. ये ऑलरेडी डिफरेंट साइंस है तो ऐड कर रहे हैं हम इनको. ये आ गया माइनस 13 बाय इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज 5. तो y इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 13. y आ गया आपका माइनस 5 बाय 13. पूरा ध्यान इधर हो, y आ गया क्लियर. अब x कैसे निकाल लें, वैल्यू पुट कर दो 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 बाय 13 इज इक्वल टू 4. 3x
प्लस 25 by 13 इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 by 13, 3x इज इक्वल टू 52 माइनस 25 by 13। यस, 3x इज इक्वल टू 27 by 13, तो x आ गया आपका 9 by 13। अब आपके पास x है, y है, अब हमें क्या कहा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब इन पॉइंट्स से, इनमें से कौन सी लाइन पास कर रही है वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये पॉइंट पुट करने हैं यहाँ पे, 13x यानी कि 9 प्लस 13y यानी कि -5 इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट ऑप्शन में पुट करते ही वी हैव गॉट आंसर। अगर फर्स्ट ऑप्शन में पुट करके आंसर नहीं आ रहा, सेकंड में करो, सेकंड में नहीं आ रहा थर्ड में करो, थर्ड में नहीं आ रहा तो फोर्थ में करो, ठीक है। इज दिस क्लियर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। उसके बाद एक फॉर्मूला, ये मुझे 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल मुझे गिवन है 21, सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क। हाँ जी, डायरेक्ट निकल सकते हैं। ये एंगल कितना है, यानी कि सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो फिर पेरीमीटर गिवन है, क्वाड्रेंट का पेरीमीटर क्या होता है, क्योंकि इसमें हमने रेडियाई नहीं लेने, यहाँ उन्होंने एज अ सेक्टर दिया है हमें, ठीक है। उन्होंने हमें कहा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सेक्टर, और वो सेक्टर क्या बन रहा है, क्वाड्रेंट बन रहा है, 1/4 ऑफ अ सर्कल है। पेरीमीटर गिवन है, तो 1/4 ऑफ द पेरीमीटर आप कर दोगे तो व्हाट यू विल गेट, लेंथ ऑफ द आर्क। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, सो व्हाट विल बी योर आंसर, 21/4। गॉट इट? अब इसी में लेट अस सपोज ये क्वेश्चन आपका ऐसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस क्वाड्रेंट इफ द रेडियस इज गिवन टू बी 12 सेंटीमीटर। रेडियस 12 सेंटीमीटर गिवन है, पेरीमीटर निकालना है। जब भी पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट आता है या पेरीमीटर ऑफ ऐसे प्रोटेक्टर आ जाता है, तो उसमें आपने क्या करना है, यू आर टू एड दीज रेडियस। पेरीमीटर जहां भी आ गया, जो भी फिगर गिवन है, आपने क्या करना है, उसकी बाउंड्री ड्रॉ कर लेना। तो जो उसकी बाउंड्री बनेगी आपने वो ऐड कर देना है। अगर मान लो उसने कहा कि यू आर गिवन अ प्रोटेक्टर ऑफ डायमीटर दिस, यू आर टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस, तो आपने क्या करना है, इसकी बाउंड्री ड्रॉ कर ली। बाउंड्री में क्या क्या कवर हो रहा है, डायमीटर कवर हो रहा है और सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कवर हो रहा है। क्वाड्रेंट उसने कहा, क्वाड्रेंट का पेरीमीटर निकालना है, तो ये कवर हो रहा है और ये कवर हो रहा है। तो पेरीमीटर जहां पे भी जिस मर्जी फिगर का आ जाए, आपने क्या करना है, उसकी बाउंड्री ड्रॉ कर लो। बाउंड्री में जो जो डायमेंशंस आ रही हैं वो कैलकुलेट कर लो, जैसे इसमें ये लेंथ ऑफ आर्क आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एंड अकॉर्डिंगली फाइंड आउट योर आंसर। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, उनका रिलेशनशिप क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ सेक्टर। हाँ, यस, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लेंथ ऑफ आर्क टू पाई आर। आपने कौन सा फॉर्मूला लर्न किया हुआ, ये किया हुआ है कि 2π वाला, 360 वाला। ओके, चलो अब देखो, थीटा अपॉन 360 और पाई, और यहाँ क्या क्या है, थीटा अपॉन 360 और पाई। ये मैं रिप्लेस करूं अगर,
तो यहाँ क्या आ गया एल अपॉन टू आर, ठीक है, एल अपॉन टू आर इज इक्वल टू थीटा पाई थीटा अपॉन 360. तो इसका पाई थीटा अपॉन 360 हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एल अपॉन टू आर से, और इधर क्या रह गया आर स्क्वायर. तो अब क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू ये वाला आर इससे कट जाएगा, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर इज हाफ ऑफ एल इंटू आर. तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर. ये बुक में ही लिख लो, कहीं गिवन नहीं है, बट इससे रिलेटेड सैंपल पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं. मैं फिर से बता दो जी, दोबारा देख लो. एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, लेंथ ऑफ द आर्क 2 पाई आर थीटा अपॉन 360. हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस. लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, लेंथ ऑफ द आर्क वाला फॉर्मूला हमारा छोटा था तो उसको हमने लिया. तो दिस इज पाई थीटा और 360, पाई थीटा और 360 यहाँ था. तो मैंने क्या किया, जो चीजें कॉमन थी वो इधर रखी, बाकी सब उधर ले गए. एल ऑलरेडी इधर था, टू आर इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड कर दिया, यानी कि पाई थीटा अपॉन 360 को वी कैन रिप्लेस विद एल अपॉन टू आर. तो इसके पाई थीटा अपॉन 360 को हमने रिप्लेस कर दिया एल अपॉन टू आर से. तो रह क्या गया यहाँ पे आर स्क्वायर, वो लिख लिया एज इट इज, आर से स्क्वायर कट गया, क्या रह गया एल आर बाय टू. तो हाफ ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस, यानी कि एरिया ऑफ द सेक्टर इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ आर्क इंटू इट्स रेडियस. तो अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर दिस. इसमें हमें थीटा नहीं गिवन होगा, ये ध्यान रखना है. तो जब आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, थीटा गिवन नहीं है, बट लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस गिवन है हमें, तो वी विल गो फॉर दिस फॉर्म. ठीक है, क्लियर, ध्यान रखोगे इस चीज का. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन with the side 8 centimeter and I have to find the area of this shaded region. Area of triangle आ जाएगा root 3 by 4 side square. ठीक है, side कितने given है 8 centimeter. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 square, ये कितना आ गया 16 root 3. अब इसमें से एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस करना. अब क्योंकि ये मुझे गिवन है, यस, इसका रेडियस कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड हमें 8 गिवन है, रेडियस 4 आ गया. अब रेडियस 4 आ गया तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय 2. ठीक है, तो पाए को पाए ही रहने देते हैं. आर कितना है 4 का स्क्वायर 16 बाय 2, तो दिस इज 8 पाए. सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज सिक्सटीन रूट थ्री माइनस 8 पाए. तो डिपेंडिंग ऑन योर ऑप्शंस, अगर उसमें पाए वगैरह की वैल्यू आगे सॉल्व करके दी हुई है तो यू विल सॉल्व इट, अदरवाइज यू विल लीव योर आंसर अप टू दिस पॉइंट. ठीक है, सेम क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ जाता है,
हाँ जी हाँ, यहां अगर एंगल गिवन है 90 डिग्री, देन और डायमीटर गिवन है, हाइपो कह लो, हाइपो मुझे गिवन है लेट अस सपोज 8 सेंटीमीटर, आइसोसेलेस गिवन है राइट ट्रायंगल, देन ये गिवन है और मुझे वही एरिया वही फाइंड आउट करना है। चलो कहाँ आइसोसेलेस है तो ये एक्स और ये एक्स लेके ये एक्स निकल आएगा आपका, ठीक है, साइड निकल आएगी, दोनों सेम होंगी, साइड निकल आई तो यू कैन फाइंड आउट द एरिया, निकाल सकते हो एरिया आ गया ट्राइंगल का, उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर के लिए ये डायमीटर आपको गिवन था इसका, तो वो माइनस कर दो, ठीक है। मतलब रिलेटेड थिंग्स आपको ध्यान से ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ जरूर गिवन होगा, तो यू हैव टू गो थ्रू द कंसेप्ट थॉरली, कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। जैसे अब एरिया और एल का रिलेशनशिप अगर मैं ना करवाती तो वुड यू हैव बीन एबल टू डू दैट इन योर एग्जाम, बट आपको ऐसे को रिलेट करना है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपका करवाया हुआ आएगा। अगर एरिया मैंने करवा दिया, लेंथ ऑफ आर्क मैंने करवा दिया, तो यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट अ रिलेशनशिप बिटवीन दैट। सो कंसेप्ट अपने क्लियर रखो, वहां पे आपको उनको को रिलेट करना आ सकता है कि कैसे आप उनको को रिलेट करोगे। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होते हैं, एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, एरिया ट्राइंगल एबीसी गिवन है मुझे और एरिया ट्राइंगल डीईएफ गिवन है, तो व्हाट विल दिस बी इक्वल टू, स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कौन सी साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगी इसमें, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी ई स्क्वायर्स लेने हैं, देन बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग ई एफ, तो बी सी स्क्वायर और ई एफ स्क्वायर आ गया, देन डी एफ स्क्वायर। अब सेम चीज अगर मैं कन्वर्ट कर दू पेरीमीटर में, एरिया की जगह अगर मैं पेरीमीटर की रेशियो फाइंड आउट करूं, देन हाँ उसमें क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो वहां पे ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन डी एफ, एरिया है तो स्क्वायर ऑफ द साइड लोगे, पेरीमीटर है तो सिंपली साइड्स लेके चलो, गॉट इट, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये कुछ टाइप्स थी जो मुझे मिली है जो हमारी स्किप हो गई थी कह लो, पैराबोला वाला मैंने उस दिन करवा दिया था, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, अपवर्ड के लिए क्या कंडीशन होती है, अपवर्ड पैराबोला मींस ऊपर से मुंह ओपन है उसका, हाँ ए बोलो, ए इज ग्रेटर देन जीरो, और अगर डाउनवर्ड है तो ए इज लेस देन जीरो। पैराबोला या कोई भी कर्व अगर आपको गिवन है जिसमें गिवन है कि वो एक्सिस को टच कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को, लेट अस सपोज मुझे ये गिवन है, तो एट हाउ मेनी जीरोस इट विल हैव, बेशक ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बट जब ये वन पॉइंट पे टच कर रहा है तो जीरोस कितनी होंगी, वन हो। अगर यही पैराबोला आपका आपको इस तरीके से दे दिया जाता है, देन जीरोस कितने बन गए, टू, ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कोई भी आपको गिवन है, यही मान लो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं लाइक दिस, अपवर्ड के साथ मैंने डाउनवर्ड पैराबोला जोड़ दिया, देन हाउ मेनी जीरोस विल, थ्री जीरोस हैं, तो कौन सा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल विल इट रिप्रेजेंट, अगर इसके जीरोस थ्री हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इट विल रिप्रेजेंट। उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम कितने होते हैं, अगर मुझे एक पॉलिनोमियल ऑफ एन डिग्री गिवन है,
देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस इन दैट, एट मोस्ट कितने जीरोस उसमें हो सकते हैं, एन, एंड मिनिमम कितने हो सकते हैं, जीरो. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन एक्स एक्सिस को अगर वो कट नहीं कर रहा, लेट अस सपोज कि मुझे ये पैराबोला कहीं, मान लो मैंने एग्जांपल लिया या कोई और ग्राफ मैंने ले लिया और वो ग्राफ मुझे इस तरीके से गिवन, तो इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट एनी ऑफ द पॉइंट, तो इट मींस जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो, कोई भी जीरो इसका नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है. अगर ये अब ऐसे होता देन टू पॉइंट पे कट कर रहा है तो टू जीरो, जितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं उतने जीरो. अगर मुझे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन गिवन है तो एट मोस्ट एन जीरो, ज्यादा से ज्यादा एन हो सकते हैं, एंड एट लीस्ट जीरो. लेकिन ध्यान रखना है अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल आ जाते हैं या फिर मैं ले लिया मान लो बी, लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कैन नेवर बी जीरो. क्यों? लीनियर पॉलिनोमियल किसको रिप्रेजेंट करता है ग्राफ पे जब आप उसको प्लॉट करते हो? लाइन को रिप्रेजेंट करता है. तो लाइन को जब वो रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लाइन को एक्सटेंड करोगे कहीं ना कहीं पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगी ही करेगी. ठीक है, जितना मर्जी, क्योंकि लाइन आपको पता है इट कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली टू बोथ साइड, तो जब आप उसको दोनों साइड्स पे एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगी ही करेगी. तो इसीलिए कौन सी, हाँ फिर उस केस में जीरो. ठीक है, तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है, बट उसके केस में, लीनियर के केस में आप उसको लेके चलोगे नंबर ऑफ जीरो इज वन, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज गिवन बाय माइनस बी अपॉन ए, एक्स की वैल्यूज माइनस बी अपॉन ए, तो वो आप एक्स इज इक्वल टू आ रहा है तो इट मींस करेगा. तो इस इट मींस ये हो गया कि ये लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्स, जब फॉर्म ए एक्स प्लस बी गिवन है तो दैट लाइन इज पैरेलल टू कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस, तो उसका एक जीरो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. ठीक है, देन बातें नहीं, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा मुझे टू गिवन है, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा. स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब मैंने यहाँ एक गलती की है, यस, यहाँ क्या आएगा, हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा भी क्या होगा आपका, हाँ जी, टू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करोगे ना आप यहाँ पे, कॉसेक इज वन अपॉन साइन, तो ये साइन से साइन आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. अदरवाइज इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, अगर तो स्क्वायर था तब तो हम ऐसे कर लेंगे, अगर हमारा ये मान लो डिफरेंट आ जाता है पावर यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू टू. ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू टू साइन थीटा, ये स्टेप क्लियर है. टू को इधर ले आओगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस टू साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो. अब ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो क्या हो जाएगा,
साइन थीटा माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ गया। साइन थीटा किसके इक्वल आ गया? वन के इक्वल आ गया। साइन थीटा वन है तो कॉसेक थीटा भी क्या होगा? वन हो जाएगा। अब कॉसेक थीटा भी वन है, साइन थीटा भी वन है, यहाँ अब जो मर्जी पावर आ जाए, योर आंसर विल ऑलवेज बी इक्वल टू टू। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आप इससे लिख सकते हो कि व्हेनेवर यू आर गिवन दैट साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज टू, साइन टू द पावर एन प्लस कॉसेक टू द पावर एन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू टू। ये भी बुक में लिख लो, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा अगर आपको टू गिवन है तो साइन टू द पावर एन थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर एन थीटा इज इक्वल टू टू। क्लियर? उसके बाद एक चीज जो हमारी बिल्कुल भी रिवाइज नहीं हुई है, दैट इज दैट गोइंग अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। उसमें आपको जो है क्या बनानी पड़ेंगी? इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं। है वो कभी किसी के पास? फिलहाल बुक्स निकाल लो अपनी अपनी, उसी में से करवा देती हूँ। हाँ जी, लास्ट एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 करवा रही हूं मैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम में कितना जा रही है? 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। उसके बाद अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। आपको यहीं से पता लग जाएगा डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रही है, मींस पानी की डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। हमने क्या क्या निकालना है? स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, यानी कि दिस इज द स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर मीन स्पीड ऑफ बोट आप निकाल रहे हो। और क्या निकालना है? स्पीड ऑफ करंट। तो जो चीजें हमने निकालनी है उनको हम क्या करेंगे? एज्यूम कर लेंगे। तो लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट हमने x मान ली, स्पीड ऑफ करंट या वाटर हमने y मान ली। अब दो तरीके से जा रही है वो, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? डाउनस्ट्रीम मतलब शी इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वाटर इज फ्लोइंग। जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहे मूव कर रही है। तो डाउनस्ट्रीम में क्या होगा? जब आप मान लो बाइसिकल चला रहे हो और पीछे से हवा आ रही है तो आपकी स्पीड बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ जाती है। तो सेम वे में जब वो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है तो स्पीड क्या होगी उसकी? बढ़ जाएगी। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, x प्लस y किलोमीटर पर आ। बोट की स्पीड हमेशा पानी की करंट की स्पीड से हमेशा ज्यादा होती है, तो x प्लस y। देन अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी स्पीड उसकी? स्लो हो जाएगी। तो दिस इज x माइनस y किलोमीटर पर आ। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है कि शी कैन गो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। एक्स और वाई हमें निकालना है। हमें डिस्टेंस गिवन है, स्पीड हमने मान ली, टाइम हमें गिवन है। तो क्या करोगे? स्पीड डिस्टेंस और टाइम में आपको रिलेशन पता है क्या होता है? हाँ, s इज इक्वल टू डी बाई टी। मुझे क्या क्या गिवन है? स्पीड मैंने अज्यूम कर ली, डिस्टेंस मुझे गिवन है, टाइम मुझे गिवन है। तो दो इक्वेशंस बन जाएंगी वहां से आपके पास। तो क्या करोगे? उनको सिंप्लीफाई करोगे।
हाँ तब भी कर सकते, हाँ जी बिल्कुल, दैट इज अप टू यू। अब कर लोगे आगे इसको, क्या बनेगा फर्स्ट इक्वेशन बताओ, क्या बनेगी इक्वेशन फॉर्म करो उसके बाद आप कर लोगे। हाँ जी, एक्स इज इक्वल टू क्यू, हाँ एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है ना हमें, हम फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, हाँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 20 बाई टू यानी कि 10। सेकेंड क्या बनेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बाई टू, तो ये 10 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 फर्स्ट इक्वेशन बन गई, सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू बन गई, दोनों को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, x और y की वैल्यूज आ जाएगी, गॉट इट, हो जाएगा ठीक है जी, कर लोगे। और कोई टाइप जो आपको लग रहा है कि डिस्कस नहीं हो पाई हमारी, अच्छा एक इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने डिवाइड करने हैं या रोज और कॉलम्स में उनको डिवाइड करना है, एक क्लास की स्ट्रेंथ आपको गिवन है, ये मेरे को किसी बच्चे ने सेंड किया था आई थिंक क्वेश्चन, आपको एक क्लास की स्ट्रेंथ गिवन है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर, मतलब उनको हमने एक जैसे उसमें खड़ा करना है, आर्मी वाला जैसे था क्वेश्चन, एचसीएफ एलसीएम वाला, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन था वो, एक क्लास है उसको हमने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो किस तरीके से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करना है उसको तो क्या फाइंड आउट करना होगा, सच दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ आर्मी पर्संस इन ईच रो एंड कॉलम सेम हो, एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। अब कितने रोज या कॉलम्स बन रहे हैं वो निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल बाय एचसीएफ, ठीक है क्लियर, कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम एचसीएफ फाइंड आउट करने का, नहीं समझ आया, बुक का ही था आर्मी वाला क्वेश्चन, देखो 1.1 का थर्ड क्वेश्चन, 5 का 1.1 का थर्ड क्वेश्चन देखो, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. एक परेड में 616 persons given है, उनको मूव करना है 32 persons के बीच में पीछे, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, वॉट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है, एक हमें नंबर गिवन है 616, दूसरा हमें गिवन है 32, यानी कि हमें स्टेटमेंट में गिवन क्या है कि एक आर्मी का जो कह लो कि कॉन्टिंजेंट है उसमें पहले 32 परेड में जब वो जाएंगे तो पहले 32 जो पर्सन होंगे वो मान लो कि म्यूजिशियंस हैं जिन्होंने म्यूजिक देना है, पीछे के 616 जो हैं उन्होंने मार्च करना है। अब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दोनों हमने क्या रखने हैं, इस तरीके से रखने हैं कि हर कॉलम में जो नंबर ऑफ पर्सन हैं वो सेम आए, तो क्या करेंगे या एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, एलसीएम में क्या होता है जो भी दो नंबर्स आपको गिवन होते हैं आपके पास रिजल्ट उससे बड़ा नंबर आता है, ठीक है ना, तो इट मींस आप नंबर ऑफ पर्सन हम अपने पास से नहीं बढ़ा सकते तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ, तो व्हाट इज द एचसीएफ, 8, ओके 32 और 616 का नाइन, यहाँ कितना आ रहा है, तो 8 आ गया आपके पास एचसीएफ, यानी कि कितने कॉलम्स बनेंगे, 8। अब अगर वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी जो है मतलब एक कॉलम में हाउ मेनी पर्संस विल बी देयर फ्रॉम ईच ग्रुप, नंबर ऑफ पर्संस निकालना है फ्रॉम ईच ग्रुप, 8 को 32 से डिवाइड करोगे यानी कि 32 वाले हर कॉलम में 4 पर्सन होंगे और 616 वाले डिवाइड बाय 8 कितने होंगे, 77, गॉट इट, और टोटल कितने ग्रुप्स बन गए इन दोनों से, 4 प्लस 77, ठीक है, गॉट इट, 32 को हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, 616 को 77 के ग्रुप में डिवाइड किया, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए क्या आ गया, दोनों का सम टोटल आ गया,
ठीक है, क्लियर? सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बच्चे, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क.